चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बड़ा आता है। ये 500 ml का होता है ये, और सिर्फ 150 rupees में, ये इतना बड़ा शैम्पू जो है 150 rupees में आता है, वो भी 500 ml का। इस पे लिखा हुआ है, ये रहा 500 ml, और ये 150 का होता है। ये इसकी इसकी प्राइस भी लिखी हुई है 150 rupees, और एक्स्ट्रा कंडीशनर के साथ आता है ये। और इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे डेली यूज भी कर सकते हैं और ट्वाइस अ वीक भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है आपकी बालों की कंडीशन के ऊपर। और स्पेशली ये जो इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि ये जो शैम्पू है ये नॉर्मल हेयर्स के लिए है, फॉर नॉर्मल हेयर्स, यानी कि नॉर्मल हेयर्स और जो ऑयली हेयर्स होते हैं उसके लिए ये है। क्योंकि ये शैम्पू जब मैं इसे यूज करती हूँ तो फिर ये जो है बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, मतलब ऑयली, जो ऑयली स्कैल्प जिसका होता है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बालों को बहुत ज्यादा नरिश करता है और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे निकाल लेता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसे यूज करेंगे तो आपके बालों में वॉल्यूम दिखेगा। इसे यूज करने के बाद बालों में बहुत ज्यादा वॉल्यूम शो होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है, जिससे बाल बहुत घने लगते हैं। मैंने ये शैम्पू जो है, ये मेरी दूसरी बोतल है, एक मैं यूज भी कर चुकी हूँ। मैं इसे पिछले, मतलब फेब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और ये इसकी सेकेंड बोतल है। मुझे काफी अच्छा लगा है शैम्पू, इस वजह से मैं आज चाहती हूँ कि आज आपको भी इसके बेनिफिट्स और सब कुछ इसके बारे में बताऊं। तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है आंवला, शिखाकाई और रीठा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आंवला जो होता है वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि आंवले में विटामिन ई पाया जाता है। और विटामिन ई तो खैर हम जो भी बालों से रिलेटेड मास्क बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, विटामिन ई तो हम स्पेशली उसमें डालते हैं। तो आंवले में विटामिन ई होता है, इस वजह से बालों की ग्रोथ में आंवला हेल्प करता है। दूसरा, आंवले की एक और फायदा होता है कि वो बालों को झड़ने से रोकता है। जिसके बाल हेयरफॉल बहुत ज्यादा होता है उसके बालों को हेयरफॉल से रोकने के लिए भी आंवला हेल्पफुल है। तीसरा जो होता है, आंवला जो होता है हेयर एजिंग में लाभकारी होता है। लास्ट जो है आंवले की हेल्प, आंवला जो है स्कैल्प जो होता है उसे स्वस्थ बनाता है। हमारी जो स्कैल्प होती है उसका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाल जो है वो तो ग्रो तो वहीं से ही कर रहे हैं। अगर वो ही हेल्दी नहीं होगा तो फिर हमारे बाल ही कैसे ग्रो होंगे, कैसे हमारी हेयर ग्रोथ होगी और कैसे हमारे बाल लंबे होंगे। तो आंवला जो होता है बाल स्कैल्प को भी स्वस्थ बनाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं शिखाकाई की। तो शिखाकाई के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बालों को शाइन पहुंचाता है, दो मुहे बालों से, स्पेशली शिखाकाई जो होता है वो दो मुहे बालों से बचाता है। दो मुहे बाल एक ऐसा कारण है, सबसे ज़्यादा मेन कारण है जिस वजह से बाल ग्रोथ नहीं होते हैं। बाल ग्रोथ जो होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन का काम जो होता है वो दो मुहे बाल ही करते हैं। दो मुहे बाल इसलिए से भी या तो कटवा देते हैं, ट्रिमिंग करवा देते हैं। तो शिखाकाई जो होता है वो दो मुहे बालों से भी बचाता है, घने और मजबूत बाल बनाता है हमारे, और बालों को कोमल बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। और शिखाकाई का एक और यूज़ भी होता है, ये रूसी जो बालों में हो जाती है उससे लड़ने में भी ये मदद करता है। बहुत से लोगों के बालों में रूसी रहती है, शिखाकाई उस चीज़ पे भी ये हेल्प करता है। और रीठा जो होता है, वो आपके बालों की, सबसे ज़्यादा आपकी स्कैल्प की सफाई करने में हेल्प करता है। उसमें जो भी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, जो भी अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है, डेंड्रफ वगैरह, तो उस चीज़ को रिमूव करने में रीठा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो तीनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं और हर चीज़ के, बालों की हर समस्या को ये सॉल्व करने में लाभकारी हैं। तो इस वजह से मुझे शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिए हैं। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं पहले से ही, वो इसे यूज़ ना करें, क्योंकि जब इसे वॉश करते हैं तो जो बालों का एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो जिसके बाल ड्राई होते हैं तो उसके तो बाल वैसे ही ड्राई हैं, तो उसके बाल और ज़्यादा ड्राई होने की संभावना है। तो इस वजह से क्या होता है, बाल जो होते हैं वो और झड़ने लगते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने जो ये महसूस किया है कि जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई बाल हैं वे इसे यूज़ ना ही करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो है बालों को ड्राई कर देता है और भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक वॉल्यूम पैदा करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेता है। तो ये सब इसके यूज़ बेनिफिट्स, ये सब इसकी रिव्यू है। ये सब आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये शैम्पू पसंद आया तो आप भी इसे एक बार यूज़ करके देखिएगा और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और गाइज, अगर आपको ये शैम्पू ख़रीदना है तो फिर मैं आपको इसका ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन।